असम के लिए आ जाएगी फाइनल एनआरसी सूची। राज्य में भारी सुरक्षा के बंदोबस्त के बीच केंद्र सरकार जारी करेगी लिस्ट। फाइनलिस्ट की घोषणा के मद्देनजर गुवाहाटी समेत संवेदनशील इलाकों में लागू की गई धारा 144। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की 51 अतिरिक्त कंपनियां तैनात। असम में सीएएफ की 167 कंपनियों की पहले से ही थी तैनाती। असम के डीजीपी के मुताबिक राज्य में कुल 250 एनआरसी सेवा केंद्र हैं, इनमें से 1200 एनआरसी सेवा केंद्रों को माना जा रहा है संवेदनशील। पहली एनआरसी सूची करीब 41 लाख लोगों का नाम नहीं था, जिनका नाम एनआरसी में नहीं था उन्हें भूल सुधार और दस्तावेज जमा कराने के लिए दिया गया था 10 महीने का वक्त। आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार को जबरदस्त झटका, 7 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंची विकास दर। मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 5% पर पहुंची जीडीपी, 5.8% पर था आंकड़ा। गिरते विकास दर को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा, 5% के आंकड़ों पर उठाए हैं सवाल। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए विलय का मेगा प्लान, 10 सरकारी बैंकों को मिलाकर बनेंगे 4 बैंक। बैंक यूनियन ने किया सरकार के फैसले का विरोध। बैंकों के विलय के बाद सरकार ने कर्मचारियों को दिलाया भरोसा, वित्त मंत्री बोली किसी की नहीं जाएगी नौकरी। भारत में साइकिल हब माने जाने वाले लुधियाना में मंदी का असर नजर आ रहा है, लोगों की नौकरी दावों पर 30% तक स्टाफ की छटनी। औषधि उद्योग पर भी मंदी की मार, करीब 30% तक बिक्री घटी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी मंदी की चपेट में, देश में करीब 9 करोड़ लोगों को टेक्सटाइल उद्योग मुहैया कराता है रोजगार, मंदी से रोजगार पर मंडराए संकट के बादल। टेक्सटाइल उद्योग में करीब 20% तक उत्पादन घटा, देश की जीडीपी में करीब 2% टेक्सटाइल उद्योग का रहता है योगदान। ऑटो उद्योग पर मंदी का सबसे ज्यादा असर, करीब 50% तक स्टाफ में कटौती, देवास जाकर आज तक ने की पड़ताल। यूपी में पुलिस के जागरूकता मिशन का फिलहाल कोई असर नहीं दिख रहा, लखीमपुर खीरी में एक महिला को बच्चा चोरनी समझकर पीटा गया। महिला को पहले एक युवक ने थप्पड़ जड़े, फिर डंडे से बुरी तरह से पीटा, बाद में पुलिस के हवाले किया। लखीमपुर खीरी में अफवाह के खिलाफ पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान, पर्चे बांटे, माइक पर मुनादी भी की गई। अफवाहों पर ध्यान न दें, जो अराजकता इस तरीके की अफवाह फैला रहे हैं उनकी सूचना कोतवाली पुलिस को दें। भीड़ ने शख्स को बच्चा चोर समझकर जबरदस्त तरीके से पीटा, बाद में पुलिस के हवाले किया गया। रुड़की के लश्कर में बच्चा चोरी के शक में 2 युवकों की पिटाई, पुलिस के सामने ही लोगों ने बुरी तरह से मारा। खगड़िया में भी लोगों ने एक महिला को बच्चा चोरी समझकर बुरी तरह से पीटा, गनीमत यह रही कि पुलिस के वक्त पर पहुंच जाने से बची महिला की जान। पुलिस ने भीड़ तंत्र से महिला की जान तो बचा ली, लेकिन तब तक महिला की पहचान नहीं होने से संदेह बरकरार रहा। यूपी के महुआ में गाड़ी चेकिंग के दौरान बीएमडब्ल्यू सवार ट्रैफिक पुलिस के दरोगा को गालियां देता हुआ नजर आया, झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर फरार हुआ। धर्मशाला के होटल में एक सरकारी अफसर और महिला के साथ पकड़े जाने पर महिला के परिजनों ने किया हंगामा, जमकर की धुनाई। रतलाम में नदी में गिरी बस, गनीमत यह रही कि सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पानी में डूबी बस की खिड़कियों से निकलकर बाहर आए यात्री पुलिस पर बहते दरिया के बीच बस पार कराने की कोशिशों में हुआ था हादसा। राजौरी में धारहाली नदी के उफान का टूटा कहर, 2 महिलाएं सैलाब में बहीं। प्रयागराज में फिर बढ़ा गंगा का जलस्तर, निचले इलाकों में हुआ जलभराव। भारी बारिश से पानी पानी हुई चेन्नई, कई इलाकों में सड़कों पर दिखा जलभराव। भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार की छापामारी योजना, सीबीआई ने देश भर में करीब 150 छापे का खाका तैयार किया। अगले कुछ सप्ताह तक जारी रहेगी सीबीआई की औचक छापेमारी, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद समेत देश के कई छोटे शहरों पर भी सीबीआई की नजर। कर्नाटक कांग्रेस के दिग्गज नेता डीके शिवकुमार के से प्रवर्तन निदेशालय आज दूसरे दिन भी पूछताछ करेगा, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला। धौलपुर में खनन माफिया से पुलिस की मुठभेड़, 2 आरोपियों की जान गई, 2 कांस्टेबल समेत 7 लोग घायल। बीजेपी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने जांच से पहले पुलिसकर्मियों को ठहराया दोषी, कहा कार्रवाई होने पर ही होगा मृतकों का दाह संस्कार। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के दूसरे और अंतिम टेस्ट में टीम इंडिया मजबूत स्थिति में, पहले दिन का खेल खत्म होने तक बनाए 5 विकेट पर 264 रन। कप्तान विराट कोहली ने बनाए 76 रन, होल्डर का बने शिकार। ओपनर मयंक अग्रवाल ने भी जड़ा अर्धशतक, होल्डर ने कांडवाल के हाथों कराया कैच, फिर सस्ते में निपटे पुजारा, बनाए सिर्फ 6 रन।
अनुय विहारी 42 रन बनाकर क्रीज पर डटे, ऋषभ पंत भी 27 रन बनाकर है नाबाद। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का किया था फैसला, होल्डर ने झटके 3 विकेट। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।